मैं आने वाले समय में इस देश में जनसंख्या को लेके विस्फोट देख रहा हूँ, आबादी को लेके लिए विस्फोट देख रहा हूँ। उस विस्फोट से बचाने मेरे आने वाले भविष्य के बच्चों को अच्छा मेडिकल सुविधा मिले, एजुकेशन मिले, भोजन पानी मिले, नौकरी की व्यवस्था हो, सरकारी नौकरी मिले, वो तब होगा यशस्वी प्रधानमंत्री के विकास के पथ पे चलते हुए। वो चाह रहे हैं कि विश्वगुरु बने, विश्वगुरु आप तब बनेंगे जब जनसंख्या पे नियंत्रण होगा। तो मैं इसलिए ला रहा हूँ, देखिए आप ओम प्रकाश राजभर जी आ रहे हैं, शिवपाल जी आ रहे हैं, सब लोग देखिए भारतीय जनता पार्टी को सत्यता सब पहचान गए कि निस्वार्थ पार्टी है, ये राष्ट्र की पार्टी है, ये परिवार का स्वार्थ नहीं है। कोई बंगला गाड़ी घोड़ा यहाँ के हमारे प्रधानमंत्री जी को नहीं बनाना है, ना हमारे पूज्य महाराज जी को बनाना है, कोई मंत्री को नहीं बनाना है, कोई सांसद विधायक को नहीं बनाना है, सबको देश सेवा करनी है, जन सेवा करनी है, समाज सेवा करनी है। और ये वही पार्टी है जहाँ विकास हो रहा है, निरंतर रोज़ विकास हो रहा है। अब ये जब जान गए लोग तो सबके लगा का हो मर के का करब, का करब ना ले के जाए ऊपर कुछ हो, तो जे नेता ही जान गए कि कुछ ले के ना ही जाए के बा, वो सब भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है।